पूरा 1 साल हो गया है। पिछले साल इसी दिन मैंने अपनी पिछली कंपनी से रिज़ाइन दिया था। वजह ये थी कि यार बॉस जो था ना वो थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था, थोड़ी सी कुछ चीज़ों के ऊपर कन्फ्रंटेशन हो गई। और मैं भी स्किल्ड बंदा, मैंने कहा ठीक है यार, अब मुझे रियलाइज़ हो गया या तो इस बंदे के नीचे लग के रहना पड़ेगा यहाँ पे नौकरी करनी है तो, या फिर मूव ऑन करते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से भी मशवरा किया, कोलीग्स ने भी कहा कि यार भाई अगर हम तेरी जगह होते ना तो हम तो अपने राइट के लिए अपने स्टैंड लेते। हम तो ऐसे बंदे हैं, मतलब साडा हक एथे रख, ये वाला सिस्टम। तो मैंने कहा बिल्कुल यार, होना भी ऐसे ही चाहिए। मैंने पेपर पकड़ा, रेजिग्नेशन लिखा, उन्होंने मुझे दिया, ये टेम्पलेट है, ये फॉर्मेट है। मैंने उस पर प्रॉपर तरीके से, जो प्रोफेशनल तरीका रेजिग्नेशन का, लिखा। बॉस के कमरे में चला गया। बॉस को लगा कि भाई ये सॉरी करने आया। मैंने कहा यार कहाँ का सॉरी, मैंने उसका दिमाग पढ़ लिया था। बहरहाल जब मैंने उसको टेबल पे रेजिग्नेशन दिया तो कहता है ये क्या है, मतलब हक्का बक्का रह गया यार। कहता है यार ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। मैंने कहा देखें जो भी है, मुझे मूव ऑन करना, मैं स्किल्ड बंदा हूँ, मुझे 101 नौकरियाँ मिल जाएंगी। कहता देखो बाहर बहुत सैचुरेशन है, हमारे भी मतलब जानने वाले हैं, बाहर किसी को नौकरी नहीं मिल रही, काफ़ी हालात ख़राब है, रिसेशन चल रहा है, मतलब कहाँ जाओगे। मैंने कहा चल चल, मेरे को ज्ञान नहीं दे यार, मेरे को क्लियरेंस चाहिए, मुझे जाना है, मुझे दूसरी अच्छी कंपनी में जाना है यार, टाइम नहीं अपने पास। और 1 साल के बाद मैं आपको बताऊंगा, इससे अच्छी कंपनी के अंदर मैं अच्छी पोजीशन पर नौकरी करता हुआ आपको दिखाई दूंगा। उसने एक दफ़ा मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर नीचे से ऊपर, और कहता ठीक है सही है। अब यार मैं आज 1 साल के बाद इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, मतलब कि यार मैं इस मौके पे एक वीडियो बनाऊं और लोगों को और बॉस को भी बताऊं कि जब आपके अंदर यकीन होता है ना, ये जो जनरेशन है ये कोई ऐसी जनरेशन नहीं जिसको आप अंधेरे में रखोगे, दे आर स्किल्ड पीपल, दे नो हाउ टू फाइंड आउट द वेज। और अगर आपके अंदर यकीन है, आपका इरादा पुख्ता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी। लेकिन नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है। मेरे बॉस ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। मैं लोगों की बातों में आ गया था, राइट और लेफ्ट वाले स्टैंड में फंस चुका था। ये लोग मुझे उस टाइम पे रेजिग्नेशन टेम्पलेट दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये कर क्या रहे हैं। अब किसी को फ़ोन करो ना यार, नौकरी नहीं है, ईमेल एड्रेस ही दे दो किसी का, तो फ़ोन नहीं उठाते हो। कहीं कोई मैसेज आया कि भाई हु इज़ देयर, मेरे बाद मेरे जूनियर की प्रमोशन हो गई, मेरी जगह पे आ गया, वो फ़ोन नहीं उठाता यार, वो कहता है भाई टॉक टू यू लेटर। अभी आज 1 साल के बाद मैंने बॉस को भी कॉल किया, मैंने कहा अगर कोई जूनियर पोजीशन पर नौकरी है तो दे दे, मेरे पास बेरोजगार हूँ, सिगरेट लेने के भी पैसे नहीं हैं। मैं सप्लाई चेन असिस्टेंट मैनेजर की जॉब छोड़ के आया था, वेयर हाउस एडमिन के तौर पे जाना पड़ेगा।